नागा मेरी कितने लोग आए थे, इतना तो मैंने सोचा था। प्रधान जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, मुझे इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं। अपने यहाँ केवल वही बैठे, इनके लिए जोरदार तालियां। आपके चीफ गेस्ट यहाँ पर आए, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, फिर भी यहाँ सारे के सारे टेंशन में बैठे हैं। मुझे पता है आदमी को टेंशन कभी भी हो सकती है, आजकल तो ज्यादा टेंशन हो रही है। और तो कोई यहाँ क्या टेंशन है मैं बताता हूँ लड़कियों में। हाँ मैं यहाँ बैठी हूँ, पता नहीं कहाँ होंगे ये औरतों की टेंशन। एक आजकल हर घर की टेंशन में सबसे बड़ी टेंशन बताता हूँ आजकल क्या होता है। एक तो लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, हर घर की टेंशन। हमारे टाइम में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, बेटा लड़की के पीछे भागा तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब क्या बोलते हैं, ये बातें तेरे पता होगी नहीं छोड़े भी। एक दूसरा ताली में बढ़िया लगा, अच्छा पीछे वालों को बढ़िया लगा ताली में बजाई। अच्छा इस तरीके से आदमी को टेंशन होती है। अच्छा भाई शादी शुदा कितने लोग हैं यहाँ पे? नहीं 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 भाई साहब आपकी शादी तो हो गई है, आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? जिनकी शक्लें जिनके थोपड़े उतरे हुए ना सारे शादीशुदा हैं। तुम्हारे कितने हैं? हाँ सारे हाथ खड़ेंगे, हाथों की शादी होगी। मुझे पता है ऐसे बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं सारे के सारे। इतनी औरतें मुझे यहाँ पे दिख रही है, सच बोल रहा हूँ। औरतों की एक बात मैं बड़ी नोट करता हूँ, अपने नरेंद्र भाई बैठे यहाँ पे, इनके लिए ताली बजाता हूँ यार, लाइव प्रोग्राम करते हैं हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखता हूँ मैं, औरतें इतनी यहाँ बैठी, आदमी इतने बैठे, हमारा क्या चलता है? एक जीन लगा ली, एक हफ्ते तक वही जीन पलती है। इतनी औरतें बैठी हैं, पर मैं सच बोल रहा हूँ, अगर किसी के में सूट का डिजाइन, सूट का कलर किसी से मिल जाए तो बता देना मेरे को। जब पहले पहले औरतें दुकान जाती थी तो वहां पे मांगती थी सूट, कैसे मांगती थी? जब भैया ऐसा सूट दिखाना कि जो सारी करसोक में किसी के पास ना हो। अब आधे घंटे तक तो वैसे ही दुकान, भाई लाइव कर रहे हो? लाइव नहीं कर रहे? अच्छा आधे घंटे तक तो पहले ही दुकानदार का दिमाग कराएंगे, नहीं भैया वो कलर दिखाओ, ये डिजाइन दिखाओ। अब तो नया पैटर्न सीख लिया, भैया ऐसा सूट दिखाना ना जिसके बाद देवरानी जेठानी सास सबकी गोदी बंद हो जाए। चला सूट का पैटर्न आजकल पूरी तरीके से। अच्छा इस तरीके से बताता रहता हूँ मैं आपको, आदमी यहाँ पे जो औरतों के साथ आएंगे वो हंसेगी नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद अच्छा भैया क्या बोल रहे हैं बताना। नहीं नहीं भाई साहब शो अभी खत्म नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आदमी की शादी होती है, क्या होता है, नया सीन बताता हूँ मैं। आदमी शादी सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरी भी हुई है। तो 6 महीने तक बीवी कैसे रहती है, उसको उसकी माँ ने बातें सिखाई होती हैं, बढ़िया पति की सेवा करनी है, ठीक है बढ़िया। मतलब सारे ड्रामे होते हैं बाद में उसके रूप में आ जाती है। इतने पति पत्नी 6 महीने तक उनके ड्रामे। अपने यहाँ बैठे क्या बोलते हैं मेरे साहब, इनकी ताली बजा दो मोहन भाई। हम लोग तो साथ पड़े हैं पर मैं छोटा लग रहा हूँ, कोई बात नहीं। अतः यहाँ पे क्या होता है 6 महीने तक इधर से पत्नी इधर से पति, क्या सीन बनता है 6 महीने तक। जानू उठो ना सो के उठो, 10 बजे सुबह के। हाँ लगता है ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सोए रहो। ये काम सिर्फ बीवी के 6 महीने तक होते हैं, उसके बाद बीवी अपने अस्त रूप में आ जाती, कोई जानूरी का कुछ उठना नहीं है। तुमने काम करी जाना मजे आ तो पीछे तक ताली बजा दो यार। अगर टाइम नहीं है फिर भी लास्ट सुना रहा हूँ नाना पाटेकर की आवाज, यहाँ पे टाइम बहुत होगा बाकी लगा के रखो। अगर केबीसी में अमिताभ बच्चन की जगह नाना पाटेकर आते तो क्या सीन बनता। सोनी टीवी के ऊपर ठीक रात को 8 बजे इधर से लेडी इधर से नाना पाटेकर 8 बजे सोनी टीवी के ऊपर लाल चीज हो रहे हैं। करोड़पति बनेगी अपने पति के पत्नी नहीं बन सकते। चल तो उसे पहला क्वेश्चन है, बता मेरी उम्र कितनी है। अच्छा है बता मेरी उम्र कितनी है, 36 साल 18 साल। आपने मुझे 36 साल के लग रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, तुझे कैसे पता? बोला मेरा बेटा ना 18 साल का हुआ था पागल है। तो मुझे आते ताली बजा